हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया था कि हार्दिक को आज लेके जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। ये हार्दिक आप लोग को हाय हेलो बोल रहा है। तो हम रास्ते में ही हैं। आज सुबह सुबह ही निकल गए थे, कल नहीं मिला था अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट कोई, सभी बिजी थे, तो आज वही के लिए निकल रहे हैं। अभी 8:30 बजे है सुबह के। तो आज भगवान की कृपा से हमको 6 नंबर का हमको टिकट मिला है और होप कि फटाफट से हो जाए, क्योंकि हार्दिक तो भूखा ही है ना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह पेट का वो भूखे पेट ही किया जाता है, तो बच्चा है कितनी देर भूखा रहेगा, है ना। वैसे 10 बजे या 11 बजे तक तो रह ही सकता है। तो अल्ट्रासाउंड हो गया, हम जो हमारे रेगुलर डॉक्टर है वहाँ उनके पास आके ये है हार्दिक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उनको दिखाते और जानते हैं कि हार्दिक को पेट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं भी। वैसे नहीं हो, यही होप करते हैं भगवान से। कल के ब्लॉग में मैंने सारा कुछ बताया है कि उसके पेट में क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम थी। तो जिसने भी कल का ब्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो गाइस, डॉक्टर को हमने दिखा दिया है और भगवान की कृपा से सारा कुछ नॉर्मल ही है। जो किडनी, लीवर, जो एब्डोमेन का सारा पार्ट है, सारा कुछ नॉर्मल ही है हार्दिक का। हाँ, तो ये देखिए हम घर आ गए हैं और मुझे भी सुकून मिल रहा है, हबी को भी सुकून मिल रहा है कि उसके पेट में कुछ ऐसी अनसाही चीज़ें नहीं है। और कल से इसका थोड़ा तबीयत भी ठीक ही है, पेट वगैरह उतना दर्द नहीं हो रहा है। तो भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे एकदम से, मतलब इतने दिनों के बाद ठीक हुआ है बच्चा। घर में हंसता खेलता ही अच्छा लगता है ना, बच्चे का मूड जैसा होता है घर की लोगों का मूड ऐसा ही रहता है ना। बच्चे खुश तो हम भी खुश, तो हार्दिक भी खुश है। तो सुबह कुछ खा के तो हम नहीं गए थे, क्योंकि हार्दिक नहीं खा रहा है तो हमारा खाना खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो हम भी कुछ खा के नहीं गए थे। वैसे ये रोटियां है ना कल की बनाई हुई है, कल हार्दिक की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो बना के लेके गए थे हम कि कल अल्ट्रासाउंड होगा, खाएगा हार्दिक, लेकिन नहीं, खाना नहीं हुआ। फिर हम दोनों ने भी कुछ नहीं खाया और हबी को दिया था मैंने कि आप खा लो, लेकिन उनका भी मन नहीं था, बोल रहा है कि हार्दिक नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाऊँगा ऐसा बोल रहा था। तो ये देखिए अभी लंच टाइम हो गया है, हार्दिक को नहला दिया है मैंने, उसके बाद लंच रेडी हो गया। लंच तो सिंपल सा ही दे रही हूँ, दाल चावल आलू बैंगन की सब्जी और साथ में थोड़ा सा नींबू डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है ना, तो थोड़ा नींबू भी उसके डाइट में मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो खाना पीना हो गया, हार्दिक अभी सो रहा है, थोड़ा सा मैंने उसको सुला दिया है। क्या है ना, थोड़ा वो मोबाइल देख लेता अगर मोबाइल में मेरा नेट होता, आज मेरे मोबाइल में नेट नहीं है, नेट ख़त्म हो गया है। तो अभी जब आएंगे तभी ये वीडियो अपलोड होगा। अभी कितना बजा है, अभी 3:15 बाकी है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो को एकदम से सेट करके रख दूँगी एक्सपोर्ट वगैरह करके, फिर अभी जब आएंगे फिर उनसे हॉटस्पॉट लेके मैं क्या करूँगी, वीडियो को अपलोड करूँगी। शायद 8 बज जाएगा, लेट ही होगा। आप लोग के पास कब पहुँचेगा वीडियो मुझे पता नहीं, 8 बजे के बाद ही पहुँचेगा। तो इन दिनों कुछ काम वाम हुआ नहीं था और बारिश भी हो रही थी, सारा कुछ गंदा पड़ा था और बच्चा घर में बीमार है तो किसको काम करने का मन करेगा, है ना। आज थोड़ा हार्दिक खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती में है, उसके पेट में भी थोड़ा दर्द नहीं है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी मस्त आई है, सारा कुछ एकदम नॉर्मल है, सारा कुछ उसके एब्डोमेन में, उसके टमी में, सारा कुछ एकदम फिट एंड फाइन है। तो अच्छा लग रहा है ना, मतलब अच्छा लग रहा है, हबी और मुझे दोनों को अच्छा लग रहा है। बस गैस की जो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, वो उसमें से ख़त्म हो जाए तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हार्दिक के थोड़े कुछ कपड़े बचे थे इन दिनों जमा करके रखे, तो उसको मैं डिटर्जेंट में भिगो के फिर बाद में धोऊंगी। तो गाइज, आप लोग कैसे हो बताएगा, मेरी तो आप लोग को पता ही है कैसा है, कैसी हूँ मैं, क्या चल रहा था इन दिनों। तो गाइज, होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये छोटू सा 5 मिनट का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और हार्दिक को प्लीज़ एकदम भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा।
ताकि वो जल्दी से एकदम रिकवर हो जाए, स्कूल जाने लगे, कराटे क्लासेस जाने लगे, आर्ट क्लासेस जाने लगे, क्योंकि ये सब एकदम से बंद ही हो गया है अभी। मैं भेज नहीं रही हूँ, कैसे भेजूँगी, है ना। अचानक से अगर स्कूल में पेट दर्द हो गया और कराटे क्लासेस में तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह रहती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीक तो स्कूल भी इसका इसको नहीं भेजूँगी और कराटे क्लासेस भी नहीं भेजूँगी। धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से प्रॉपर पहले की तरह होगा, तभी एकदम से पूरा रूटीन फिर से फॉलो करूँगी। तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताएगा। सॉरी, इन दिनों वीडियो अच्छा ही जा रहा है आप लोगों की कृपा से। तो गाइज आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।